अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। सोलापुर नामा 24 में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर शहर की एक मशहूर और मारूफ संस्था तंजीम हमदर्द इंसानियत ने कल नवी जिंदगी परिसर में शाखा उद्घाटन का कार्यक्रम रखा था। ये कार्यक्रम शहर काजी मुफ्ती अमजद अली काजी साहब के अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में संस्था की ओर से आए हुए सभी मेहमानों का शाल और गुलाब का फूल देकर सत्कार किया गया। तंजीम हमदर्द इंसानियत के शहर व जिला अध्यक्ष हाफिज महबूब नदाब ने इस कार्यक्रम में नई जिंदगी नया घरकुल होटगी मुस्लिम बादशाहपेट में नए शाखा उद्घाटन करने वाले अध्यक्ष और मेंबरों को नियुक्ति पत्र दिया। इस कार्यक्रम में नगर सेवक बाबा मिस्त्री मुफ्ती अमजद अली काजी राफे काजी जमीर शेख वसीम भाई देशमुख एजाज खलीफा अयाज शेख और दीगर मसाजिद के हुफाज उलमा और सभी अकाबिर तंजीम हमदर्द इंसानियत के पदाधिकारी और जिम्मेदार मौजूद थे। देखिए सोलापुर नामा 24 की एक रिपोर्ट। एक बहुत बड़ा काम है ये इमामत करना, मदरसों में पढ़ाना, दीनी तालीम देना। मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की अक्सर ज़िंदगी खिदमत खल्क बिला तफरी के मसलक व मज़हब में गई। अहादीस से, कुरान से, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से, सहाबा के अकवाल से, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तंजीम हमदर्द इंसानियत की बुनियाद हालात हाजरा को देखकर रखी गई। शुरू से ऐसा जज्बा था कि उम्मत की नौजवान लड़कियों का मसला है, उम्मत के गरीब और माजूरीन का मसला है। हम मुसलमानों के जहनों में ये बात है कि मस्जिद और मदरसों को देना दीन है। अगर मस्जिद में एसी लगाना हो तो मुसलमान तैयार हो जाते हैं। अगर आवाज़ लगाए मोहल्ले में कि मस्जिद में एसी देना है तो एक आदमी खड़ा होकर के मस्जिद को एसी दे देता है। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ। उसी मोहल्ले में अगर किसी को सर्जरी देना हो तो हम लोग तैयार नहीं होते इसके लिए, क्यों भाई ये दिन का काम नहीं है। बल्कि अफसोस इस बात का नहीं है कि हम लोग इस काम को नहीं कर रहे, अफसोस इस बात का है कि इस काम को दिन का हिस्सा भी नहीं समझ रहे हम लोग। मैं हजरत खाजी साहब की, इस मौलाना सादिक साहब और भी तमाम अकाबिरों की इस तरफ तवज्जा चाहता हूँ। 2019 दिसंबर के महीनों में हम लोगों ने सोलापुर का सर्वे किया। अच्छा, ये तंजीम की बुनियाद रखने से पहले हम बहुत सारे तंजीमों से, बहुत सारे जमातों से, बहुत सारे ट्रस्टियों से, हम तमाम दोस्त अहबाब जुड़े, लेकिन हमारा मिजाज जज्बाती होने की वजह से मेल नहीं खाया। और खुले तौर पर एक बात कहूँ, हमारी सलाहियतों को इस्तेमाल करके हमें बाजू कर दिया गया। इसलिए हम लोगों ने, हमारे ट्रस्ट के हम जिम्मेदारों ने, हमारा मिजाज जिससे मेल खाता है, हमारे गुस्से को, हमारे बात को, हमारे मजाक को जो बर्दाश्त कर सकता है, और हम जिसके गुस्से को, सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं, उन लोगों को हमने जमा किया और एक मीटिंग ली कि हमें काम करना है खिदमत खल्क का, जो बिला तफरीक मसलक वो मजहब। क्या बुनियाद होगी, क्या मकसद होगा? सबसे पहला मकसद तंजीम का कि मुसलमानों की मुआशी, अखलाकी, दीनी, सियासी हालात को, मुआशी हालात को सुधारते हुए उनकी सियासी, मजहबी, अखलाकी, दीनी फिक्र करें कि उनको जहाँ पर इमदाद भी हो उस तरफ, दूसरी तरफ ये भी सोचा जाए कि उनकी इमदाद हो, और दूसरी तरफ ये भी सोचा जाए कि उनकी दीनदारी का क्या मसाला है, उनमें दीन कितना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। दूसरा अहम मकसद तंजीम हमदर्द इंसानियत का, बिरादरान वतन, गैर मुस्लिम भाइयों में और हम मुसलमानों में जो फ़िरका परस्त ताकतों के ज़रिए जो गलत फहमियाँ डाली गई थी, उसको खिदमत के ज़रिए उनको करीब करना, उनको मानूस करना, और ये बताना हम वो लोग नहीं है जो आप समझ रहे। आज के ज़माने में 6,000, 8,000, 10,000 में किसका भी घर नहीं चलता, इसकी तरफ भी ख्याल देना बहुत ज़रूरी है। आप जो कर रहे हैं काम बहुत अच्छा काम है, हम सब मिलकर आपको ज़रूर साथ देंगे, क्योंकि बहुत से तंजीम आते हैं और तुम नाम भी बड़ा अच्छा रखे सो है, तंजीम हमदर्द इंसानियत, यानी कि हम इंसानियत का काम करते हैं। अल्लाह के रसूल ने बताई हुई खल्क खिदमत के तरीके से काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करना, कोई जात ना पात, कोई धर्म नहीं। आपने बताया बहुत से लोगों को चुरकुंबे का सामान बांटा, लॉकडाउन के अंदर उनको अनाज तकसीम किया,
लेकिन कई साहब और एक ऐसा मसला है कि जब बांटने को ठहरते हैं तो उसके अंदर 75 लोग ऐसे आते लोग जिसको सब कुछ है फिर मांगने आते लोग। ये मेरा खुद का तजुर्बा है। मैं एक हमारे कौम को ये कहना चाहता हूं जिसको जरूरत है और वो लोग शर्म के मारे पीछे डरते हैं, वो सामने नहीं आते। आप जैसी टीम अगर आपके काम कर रहे हैं तो बेशक आप घर तक पहुंचेंगी, जो जिसकी हकीकत टीम खराब है वो बेचारा साथ ही भुगा रहेगा लेकिन मांगता नहीं, उसकी मजबूरी रहती, बोल नहीं सकता किसी। ये बड़ा अच्छा काम है साहब, हम भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आपको जरूर साथ देंगे कि ये इंसानियत की हमदर्दी के मकसद को लेकर खड़े हुए। कुछ अफराद खड़े हुए, अल्लाह ने उनके दस्तोबाजू को मजबूत किया, उनकी हिम्मतों को, उनके हौसलों को बुलंद किया और ये अपने मंजिल मकसूद की तरफ निकले हुए हैं। और हम सब की ये जिम्मेदारी है कि ये जो अजाइम और अगराज व मकासद इन नौजवानों ने तंजीम हमदर्द इंसानियत के तर्जमान सदर और ज़िम्मेदार ने और यहाँ इस तंजीम के सभी वाबस्तगान कारकुनान अरकान जो जो लोग यहाँ हाजिर आए हैं इन सभी के दस्त व बाजू बनकर इनकी हिम्मत और इनकी हौसला अफजाई करते हुए हम सबको इनकी मदद करना है। और जिस तरह से आप हजरात का एक बॉडी लैंग्वेज मैं देख रहा हूँ और यहाँ शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा सभी मेहमानों ने जिस तरह इस तंजीम के हिम्मत और हौसले में इजाफा किया है, इससे महसूस होता है कि इस तंजीम का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह बहुत रोशन है। सभी जिम्मेदार को मुबारकबाद देता हूँ, आप ऐसे ही काम आगे भी करते रहो इंशाअल्लाह। हम पहले भी आपके साथ हैं, आगे भी हैं। और रहा मसला, आपने जो पिछले मुझे 5-7 साल पहले जो बताया था कि जिसके घर में ऐसा कोई सामान है जो उनके लिए कुछ काम का नहीं है लेकिन उससे किसी का काम बन सकता, इसकी भी आप काम का आज से शुरुआत करिए। महीने दो महीने या जब से भी तुम शुरुआत करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा काम और ज़्यादा बढ़कर चलते गया, जैसा अब मैं देख रहा हूँ कि बड़े जो जो लोग जितने बड़े संस्था रहते हैं उतना बड़ा उनका खर्चा रहता और उतना बड़ा काम रहता, लेकिन जब छोटा काम छोटे तरीके से शुरू होता, मुझे एक यकीन है कि अल्लाह उसके अंदर बरकत देता है। क्यों तो हम भी हर तरीके के लोग देखे, हर तरीके के काम करें, लेकिन 2014 में अल्लाह हमको भी हिदायत दिया तो हर एक जिसको दुनिया बुरा कहती वो बुरे काम को छोड़कर अच्छे काम को लगे, अल्लाह का एक एहसान है। तो ये ऐसे काम तुम कर रहे ये छोटा मत समझो, ये जो तुम काम कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम है। इंसानियत के लिए काम करने वाले लोग कम है, जात के लिए काम करने वाले लोग ज़्यादा है। जैसा आप बोले कि मस्जिद के वास्ते एसी देने का तो कोई भी आदमी तैयार होता, लेकिन किसी का इलाज कराना है तो कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं रहता। तो मैं भी सभी लोगों से गुजारिश करूँगा, एक मुझे और एक चीज़ अच्छी लगी कि महबूब हाफी साहब हमेशा बोल रहे थे रुग्ण सेवक, लोगों को रुग्ण सेवक बोले तो कुछ तो ऐसा लगता है कि बहुत छोटा लगता है, लेकिन डॉक्टर के बाद अगर कोई पद है तो रुग्ण सेवा का है। वो बाबा मिस्त्री साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह कर रहे।